दोस्तों साथियों सभी को मेरा यूट्यूब चैनल को वेलकम, सभी को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मिला हूँ। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फोर क्या कहता है, रूल नंबर फोर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी में से हम कैसे निकाल, जो तीनों प्रमाण में जो फॉर्मूला निकालेंगे उसको देखेंगे कैसे। देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका बोथ साइड में ए स्क्वायर को डिवाइड करने के बाद क्या आता है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। हम लोग जानते हैं पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा। ओके, उसका स्क्वायर है तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर इक्वल टू वन। दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, देन कोस स्क्वायर इक्वल टू कोस थीटा स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टू रूल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी हम बोथ साइड में यहाँ बोथ साइड में पी स्क्वायर को डिवाइड किया है। उसके बाद देखिए एच बाई पी इक्वल टू कॉसेक थीटा, यहाँ एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है तो कॉसेक थीटा पी स्क्वायर। ओके, बी बाई पी माइनस बी बाई पी स्क्वायर, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर इक्वल टू वन। इसका मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट थीटा स्क्वायर, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक थीटा स्क्वायर माइनस वन। ओके, थर्ड नंबर आ रहा है क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या आता है, बोथ साइड में बी स्क्वायर को देखिए कहाँ नज़र देना है, यहाँ जो रह रहा है उसी को फोकस कीजिए, क्योंकि उसी का हिसाब से जो राइट हैंड साइड का हिसाब से हमारा कौन सा बोथ साइड में हम डिवाइड करेंगे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए यहाँ बी स्क्वायर इतना है, ऊपर नीचे भी बी स्क्वायर, और सभी में बी स्क्वायर को देखिए यहाँ किया है। ओके, देन उसका मतलब क्या होगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू वन। दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, आज के लिए इतना ही, जहाँ गलती है वो होगा तो माफ कीजिए। और दूसरी चीज़ है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेहनत लगता है, आप लोग थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।